हमने इस क्वेश्चन को ऐसे किया, एक ब्लॉक है जिसका वेट कितना है, 5 न्यूटन है, इस ब्लॉक को पुश कर रहे हैं बाय अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन, द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड ब्लॉक इज 0.6, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एग्जर्टेड बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक विल बी इक्वल टू व्हाट। तो वो कह रहा है कि इसमें ये एक ब्लॉक है, 12 न्यूटन की फोर्स मैं लगा रहा हूँ तो नॉर्मल रिएक्शन भी 12 मिलेगा, इसका वेट 5 न्यूटन है, अब कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इसमें 0.6 है, तो अगर मैं यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करूँ म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, तो म्यू आपको गिवन है 0.6 और नॉर्मल रिएक्शन कितना है 12, मल्टीप्लाई करें 7.2। तो इस ब्लॉक को, इस ब्लॉक से वॉल से हिलाने के लिए फोर्स कितनी रिक्वायर्ड है 7.2। आपने कितनी फोर्स लगाई नीचे की तरफ, 5, तो बॉडी नहीं हिलेगी। तो कौन सी फ्रिक्शन है, काइनेटिक की स्टैटिक, स्टैटिक है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कितनी काउंट होगी इसमें, 5, क्योंकि हिलाने के लिए चाहिए 7.2, आपने लगाई 7.2 से कम, तो जो आपने फोर्स लगाई 5 वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ये दीवार इस ब्लॉक पे पहली फोर्स क्या, इसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या लगाएगी, फ्रिक्शन, और दूसरी इसने क्या लगाई थी, नॉर्मल रिएक्शन, दोनों की दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स हैं, नॉर्मल रिएक्शन भी दीवार फोर्स लगा रही है, फ्रिक्शन भी दीवार फोर्स लगा रही है, तो नेट फोर्स दीवार क्या लगा रही है, 5 और 12 का वेक्टर समझो कि क्या आएगा, 13। आंसर गलत है, 13 आंसर मार्क करना, 13। पॉइंट क्लियर है? इसमें सिर्फ फ्रिक्शन मार्क किया मैंने, जबकि उसने क्या पूछा कि वॉल ने ब्लॉक पे कितनी फोर्स लगाई, तो वॉल ने ब्लॉक के ऊपर दो दो फोर्सेस लगाई हैं, एक फ्रिक्शन लगाई है और ये लगाई है, तो आंसर क्या मार्क करेंगे, 13 न्यूटन। क्लियर है यहां तक, वेक्टर सम लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट, क्या हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है, अलांटे वाला एग्जांपल दिया था, वही है ये, क्योंकि स्टेटमेंट भी नहीं पढ़ता मैं, ये देखो याद है ना, बेल्ट के ऊपर ब्लॉक रखा था, तो ब्लॉक रखते ही इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, और थोड़ी देर के बाद ये ब्लॉक की वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है, ये आगे क्यों जाता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको एक्सेलरेशन जनरेट करती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है, म्यू टाइम एम जी इज इक्वल टू एम ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू जी, म्यू पता है, जी पता है, ए आ गया। अब आप अप्लाई कर सकते हो वी स्क्वायर माइनस, या वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, टाइम आपको क्वेश्चन में गिवन है, ए आपने निकाल लिया, यू 0 है, तो यहाँ से वी की वैल्यू आ जाएगा, जो वी आएगा वही बेल्ट की वेलोसिटी होगी। तो क्लियर है यहाँ तक, बेल्ट की वेलोसिटी कैसे निकलेगी, तो ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी इज बेल्ट की वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट, 5th क्वेश्चन में देखा देखा सा लगता है ना, अच्छा इस क्वेश्चन में एक ब्लॉक है, देखो तो ये 2-3 बार क्वेश्चन हो रहा है, और अगर आपसे नहीं हो रहा तो आपकी लिखित प्रैक्टिस कम है, लिख के बना के प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो देख रहे हो, देखोगे तो एक आध फोर्स उड़ा दोगे, पक्की बात है, पूरा नहीं बना सकते। तो इसमें एक ब्लॉक है जिसका मास 1 kg है, इज एट रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड टेबल इज गिवन, म्यू गिवन है स्टैटिक, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग अपवर्ड्स एट एन एंगल ऑफ 60 degrees फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, तो फोर्स की वैल्यू कितनी एक्ट कर रही है, 60 degree विद द हॉरिजॉन्टल, ताकि ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स मूविंग, वही सेम केस, एक्सेलरेशन क्या 0। पहला रूल, फोर्स ड्रॉ करो, 60 degree ड्रॉ करो, फोर्स के दो कॉम्पोनेंट है, एफ कॉस एफ साइन, तो नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करो, आर प्लस एफ साइन 60 इज इक्वल टू एम जी, कौन सी फोर्स ब्लॉक को मेरी तरफ लेके आ रही है, एफ कॉस 60, कौन अपोज कर रही है, फ्रिक्शन, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, तो एफ कॉस 60 किसके इक्वल है, एफ, तो आर की वैल्यू निकाल ली यहां से, अपवर्ड फोर्स है आर प्लस एफ साइन 60 इज इक्वल टू एम जी, आर की वैल्यू आ गई, तो इसमें साइन 60 पता है हमें, और एफ कॉस 60 आगे की फोर्स है, फ्रिक्शन पीछे की फोर्स है, तो आगे और पीछे की फोर्स बराबर कर दी, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0 है, एफ कॉस 60 इज इक्वल टू म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दिया, वैल्यूज पुट कर लेना, फोर्स आ जाएगी, म्यू तो गिवन ही है इसमें, क्लियर है, तब तो इसमें ये केस क्लियर है। हमने अभी अभी मिनिमम फोर्स वाला क्वेश्चन किया गया, सेम ही तो क्वेश्चन है, तो इसके अंदर ये ऊपर की फोर्स आर प्लस
एफ साइन 60 इज इक्वल टू क्या, एम जी। तो आर की वैल्यू क्या होगी, एम जी माइनस एफ साइन 60। अगर आप चाहते हो एक्सेलेरेशन ना हो तो ये और ये बराबर है, यानी कि एफ इन टू कॉस ऑफ 60 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। इस नॉर्मल रिएक्शन की पूरी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें, सॉल्व कर लें आंसर। ठीक है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन कितनों का हो गया? हो गया, क्या ये किया हुआ है? क्या लगता है? बस यही तो बात समझा रहा हूं कि आपने किया हुआ है लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन पढ़ के उसको रिलेट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन ठीक नहीं है। आप मेरी शीट्स को भी रिटेन नहीं कर पा रहे, अगर आप मेरे क्वेश्चन भी रिटेन कर दें तब भी आपकी मुसीबत काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो आप जो प्रैक्टिस करते हो ना या रिवीजन करते हो घर जाके, वो कहीं सही जगह प्लेस नहीं हो रही, और अगर सही जगह प्लेसमेंट नहीं हो रही तो आप रिलेट नहीं कर पा रहे नया क्वेश्चन देखिए कि उसको कैसे रिलेट कर रहे हैं। चेंज करो स्ट्रैटेजी, थोड़ी सी लिख लिख के प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन ट्राई करो, डीसी नहीं करनी एसएल कर लो, कुछ तो 10 क्वेश्चन करो अनसॉल्व, कुछ तो क्वेश्चन ट्राई करो, 10 करोगे अपने आप 11वां करने का मन करेगा, एक भी नहीं करोगे तो फिर कॉन्फिडेंस लो 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 होता जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक बॉल गिवन है, हमने ऐसा क्वेश्चन किया था फोर्स में किया था मुझे याद आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपको एक बॉल गिवन है और आपको ये गिवन है कि एक लोहे की बॉल आयरन बॉल है, वो ऐसे आती है और टकरा के ऐसे चली जाती है, राइट, ये लो, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये लो, ठीक है, इसके अंदर है ना, इसके अंदर ये इसका जो मोमेंटम है आने का वो कितना है, mv, और जाने का भी कितना है, mv, और क्वेश्चन में एंगल वर्टिकल के साथ कितना गिवन है, 30 गिवन है ऑलरेडी, मास आपको बॉल का बॉल की गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, कितने टाइम के लिए वो इस दीवार को हिट करती है गिवन है। मैंने ऐसे क्वेश्चन में सिखाया था कि आप इसने एक्सटेंड कर लिया करो ऐसे, तो आपने एक्सटेंड करना होता है दीवार के साथ, इनिशियल मोमेंटम क्या है, mv, तो अगर ये 30 है तो ये भी कितना है, 30, mv के कॉम्पोनेंट बनेंगे mv साइन ऑफ 30 और ये mv कॉस ऑफ 30, ऐसी mv के कॉम्पोनेंट बनेंगे इस तरफ mv कॉस ऑफ 30 और इस तरफ mv साइन ऑफ 30। ठीक है यहाँ तक? अब इसके अंदर मैंने ये सिखाया था कि इसमें दो मोमेंटम के चेंज निकलेंगे, एक निकलेगा वाई में, एक निकलेगा एक्स में, तो वाई के अंदर डी वाई बाई डी टी, एक्स के अंदर ये लो, ऐसे होगा। क्या सिखाया था, वाई एक्सिस में इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम एंड इन सेम डायरेक्शन, तो एम वी कॉस 30 माइनस एम वी कॉस 30 डिवाइडेड बाई टाइम, तो आंसर क्या आएगा, तो y का फोर्स क्या है, जीरो, सीखा था ना, y का मोमेंटम, ऐसे y का मोमेंटम माइनस कर दो, पर जब x के मोमेंटम में लेते थे तो एक मोमेंटम राइट है एक लेफ्ट है, तो राइट है तो एम वी साइन 30 माइनस माइनस एम वी साइन 30 डिवाइडेड बाय टाइम, तो 2mv साइन 30 बाय टाइम, m पता है, v पता है, t पता है आंसर, तो फोर्स x में तो होगी y में नहीं होगी, याद आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन किया था बोर्ड पे, ऐसे ही किया था, सेम क्लियर है, और कहा भी था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करवाते हुए भी।
ऑनलाइन वालों को भी बता देता हूँ कि प्रैक्टिस में कमी है, मेरी बात मानो, मैंने बहुत स्टूडेंट पढ़ाया है, मैंने बहुत बैच पढ़ाए हैं, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं ना उनको उनका ना ध्यान ही बहुत अलग तरीके का होता है, सारा दिन डूबे रहते हैं क्वेश्चंस में, पता ही नहीं लगता कि वो कह रहा है आसपास, उनको तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिखते हैं, तो ध्यान तो लगाना ही पड़ेगा अगर कुछ करना है। नहीं तो ठीक है यार, कुछ ना कुछ दुनिया का हुआ है, हमारा भी तो हो ही जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर कुछ करना है। और सबसे बड़ी बात यार, आप टाइम लगा रहे हो पूरा दिन, आप तो स्कूल भी चल रहा है, 8-8 घंटे क्लासों में बैठे रहते हो, फिर भी रिजल्ट ना आए तो उससे बुरा क्या होगा यार, सारी मेहनत मिट्टी में। इससे अच्छा तो यार अगर यही कुछ करना है तो इतना भी क्यों करना है यार, फिर थोड़ा कम ही कर लो यार, कम से कम ज़िंदगी तो ठीक ना जी लो 2 साल, है कि नहीं। तो जो आप काम कर रहे हो उसको बढ़िया काम कर लो, कितने 15 न्यूमेरिकल कराता हूँ दिन में, और कितना कराता हूँ ऑल्टरनेट डेज पे 15-20 न्यूमेरिकल, कुछ भी नहीं होते, 15 ही रिवाइज कर लो, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो, 15 ही कर लो, और कुछ नहीं कर सकते, मेरी किताब ही कर लो, चलो इतना भी डन, तो भी 50% पेपर कहीं गया नहीं आपका कॉम्पिटिशन का। तो भी अगर आप रिलेट कर पाओगे ये कुछ मैंने किया हुआ है, होता नहीं है वैसे, क्योंकि बताने से होता नहीं ना, बताने से होता होता तो हो ही जाता, बता तो सबको रखा है, होता तब है जब कोई स्टूडेंट अनसॉल्व प्रॉब्लम को ट्राई करता है और फिर स्ट्रगल करता है, उसका ब्रेन चलता है मैं कैसे इसको सॉल्व करूं, फिर वो प्रैक्टिस करता है, देखता है कैसे किया, फिर उसके दिमाग में चीज़ें बैठती हैं, एक्सपीरियंस बोलते हैं इसे। तो प्लीज़ आप कोई किताब कर लो यार, SL की किताब कर लो, कोई एक 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन किसी भी बुक के कर लो, फ्रिक्शन के जो मर्जी कर लो, ट्राई कर लो, इसे कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो 2-3 महीने में कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, पक्की बात बता रहा हूँ मैं आपको। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, ये तो डाउट है, चेन वाली प्रॉब्लम हमने की थी, बस फर्क ये है कि हमने वेरिएबल में की थी, ये न्यूमेरिकली है, 0.25 न्यूमेरिकली है, तो करना कुछ नहीं है, जब भी वो सेम क्वेश्चन वही पूछ रहा है, म्यू आपको दे रहा है और पूछ रहा है कि मैक्सिमम फ्रैक्शन चेन का कितना हवा में लटक रहा है ये बताओ, ताकि ये चेन नीचे ना गिरे, रूल वही है कि हैंगिंग पार्ट का जो वेट है वो चेन को नीचे गिरेगा और फ्रिक्शन चेन को गिरने से बचाएगी। तो हैंगिंग पार्ट अगर वाई लेंथ का है तो इसका वेट क्या होगा, आप ऐसे कैलकुलेट करते हैं, अगर चेन की लेंथ एल है तो मास क्या है, एम, वन है तो एम बाई एल, वाई है तो एम बाई एल इंटू वाई, तो मास आ गया, मास को जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वेट आएगा, ठीक, मास को जी से मल्टीप्लाई तो वेट आएगा, क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक। तो अब इसमें इसका वेट आ गया, इतना भी करने की जरूरत नहीं होती वैसे, चेन वाले क्वेश्चन में अगर मास निकालना है ना तो सीधा कर लिया करो, क्या कि इस चेन का मास पर यूनिट लेंथ m बाई एल है, अगर मास पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, मास बच जाएगा, तो लेंथ कितनी, y लेंथ, तो ये देखो उसका मास आ गया डायरेक्टली। जैसे अगर l माइनस वाई का मास निकालना है, m बाई एल मास पर यूनिट लेंथ ऑफ अ चेन को l माइनस वाई से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, मास आ गया, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि मास की वैल्यू कैसे निकलेगी, राइट तो इसके अंदर इसका अगर मास आ गया m बाई एल इंटू एल माइनस वाई, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या है, n, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो n क्या आ गया, इसके इक्वल आ गया, इंटू जी भी करना पड़ेगा वेट, जी भी करना पड़ेगा, इसका वेट आ गया, और इसका वेट कितना है, ये इसका वेट है, तो आप चेक करो इसमें यही रूल लगेगा कि अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन वेट हैंगिंग वेट से बड़ा है तो चेन नीचे नहीं गिरेगी। तो यहाँ से m बाई एल, m बाई एल आपस में कैंसल, जी से जी भी क्या हो जाएगा, कैंसल, वाई और एल बच जाएगा और म्यू बच जाएगा, म्यू तो पुट कर लेना यहाँ पर 0.20, तो यहाँ से रेशियो आ जाएगी वाई बाई एल की 0.20, आपको फ्रैक्शन जिसका परसेंटेज चेन कितनी लटक रही है वो निकालनी है, फ्रैक्शन कितनी लटक रही है 0.20, परसेंटेज कितनी लटक रही है 20% इज द आंसर। क्लियर है यहाँ तक? वही सेम तरीका है, हैंगिंग पार्ट का वेट निकाल लो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल लो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन हैंगिंग, 0.25 है ऊपर क्या, हाँ 25% है, हाँ यार 25% है, नहीं एक मिनट चेक करना पड़ेगा मुझे, चेक करना कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ ना हो इसमें, म्यू एक मिनट, म्यू इंटू एल माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, वाई कर लेते हैं मिनिमम में, तो म्यू इंटू एल माइनस म्यू इंटू वाई इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ से वाई कॉमन आ गया, वन प्लस म्यू इज इक्वल टू म्यू इंटू एल
तो y by l की जो रेशियो आ रही है, यहाँ से y by l की जो रेशियो आएगी मेरे हिसाब से म्यू बाई वन प्लस म्यू है, ऐसी है ना। अब म्यू कितना है, 0.20, 1 + 0.20 × 100, चेक करना 0.25 है। अच्छा भाई 0.25 से आंसर कितना आ रहा है, इतना आ रहा है नहीं आ रहा, 0.25 25% आ रहा है, 25% आ रहा है, ठीक है भाई करेक्शन कर लेना, ठीक है ठीक है। 20% आ रहा है, कितना आ रहा है, 20% आ रहा है, 20% पे 20% ही आ रहा होगा, मुझे एक बार चेक कर लेना, मुझे मालूम नहीं है यार। इस क्वेश्चन को इतने लोगों ने किया और हो गया, डाउट है, हो गया, डायग्राम ड्रॉ किया, कितने लोग हो गए, कितने लोगों को डाउट है इसमें। देखो इसमें जो ए ब्लॉक है ना, वो एक रॉड या एक ऐसी स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है जो मूवेबल नहीं है, तो ए ने नहीं मूव करना, लेकिन ए जो है वो दूसरों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। कि बी खिसकना चाहता है, वो कहता है ठीक है मैं तो हिलूँगा नहीं, पर मैं तेरे को जाने भी नहीं दूंगा, तो मैं क्या लगाऊंगा, फ्रिक्शन। तो अब होगा क्या, बी जो है वो कहाँ जा रहा है, राइट, तो यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ है, लेफ्ट, यहाँ फ्रिक्शन क्या है, लेफ्ट, ए भी लगाएगा ग्राउंड भी लगाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि कितनी फोर्स, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड। अब जैसे आप कहते हैं जो मिनिमम यानी कि मैक्सिमम मिनिमा, नहीं नहीं नहीं, इसमें वो तो वेरिएबल है, इसमें तो वैसी मिनिमम, देखो
इसने मिनिमम वर्ड क्यों यूज़ किया समझो, मैंने कहा कि यार बी को किस काम है, तो स्टूडेंट आया कहता अच्छा इसमें क्या है, उन्हें उठा के हाथ मारा चक्के, भाई मैंने कहा इतनी जोर के नहीं खिसकाना, पता ही है तो किसी की जाएगा, कम कम फोर्स, उसने कहा ये लो लग गई, निकला ही नहीं। अब मैंने कहा भाई ना इतनी कम ना उतनी ज़्यादा, तो मिनिमम फोर्स लगा कि उससे कम फोर्स से ये खिसक ना सके, और इतनी ज़्यादा भी मत लगा कि पता भी लगे कहाँ चला गया, तो इसलिए वो मैक्सिमम कभी बोलेगा नहीं, वो क्या बोलेगा मिनिमम, समझ में आ रहा है। अब यहाँ मैक्सिमम इनमें रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर अगर फोर्स ज़्यादा लगा दी उसने, कुछ ज़्यादा ही लगा दी, आप ये बोलेंगे कि बी ब्लॉक एक्सलरेट कर गया, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितनी है F1, यहाँ पर कितनी है F2, तो अगर कुछ ज़्यादा ही फोर्स लगा दी फिर F-F1+F2 इज इक्वल टू मास ऑफ बी इंटू इट्स एक्सलरेशन, फिर तो ये क्वेश्चन बनेगी। पर अगर फोर्स मिनिमम बोल दी, मिनिमम का मतलब खिसकाना ही है, एक्सलरेट नहीं करवाना, तो एक्सलरेशन क्या कर देंगे जीरो। तो आप मिनिमम फोर्स क्या लगाएंगे, बस फ्रिक्शन को क्या करेंगे ओवरकम करेंगे, तो मिनिमम फोर्स क्या होगी F1+F2। क्या है पॉइंट, क्लियर है? तो समझ में आ रहा है, इसमें मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट नहीं है, वेरिएबल नहीं ना इसमें कोई, ठीक है यहाँ तक। तो अगर आप यहाँ पर F1 निकाल दो, इसका मास 100 ग्राम है, इसका 200 है, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी, यहाँ पर कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन ग्राउंड में गिवन है 0.3, तो 0.3 इंटू 200 प्लस 100 इंटू जी, और यहाँ पर फ्रिक्शन कितनी है 100 इंटू जी इंटू 0.2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन अलग होगा, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन अलग होगा। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक, ठीक? यहाँ पर कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है ना, तो 0.2 इंटू ये 100 है, 100 जी, यहाँ कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है, टोटल मास कितने 200 प्लस 100 इंटू जी, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो ये आपके पास क्या आएगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और आपने बस कुछ नहीं करना, इन्हें इक्वेट कर देना है, टोटल फोर्स दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स आंसर आ जाएगा टाइम, ठीक है यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट, 9 किया हुआ है क्या, किया हुआ है लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्वेश्चन यही तो था कि एक ब्लॉक जब नीचे आ रहा है बिना फ्रिक्शन के तो वेलोसिटी वी है, और फ्रिक्शन के साथ वेलोसिटी वी बाय एन है, याद है वी बाय एन, तो वी बाय एन वाला सेम क्वेश्चन है ये, जब मैंने कहा था मैथ ट्राई कर लो, कैलकुलेशन करके दिखाओ जरा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आपने कुछ किया भी था ऐसा कुछ, बढ़िया है, ठीक है। 10th क्या कर सकते, नहीं कर रहे तो आप एक जो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, देखो एक टीचर का यूज एक स्टूडेंट ने करना है, आप मुझे ये बोलो, सोचो एक बैच ऐसा मिले, अरे सर ये क्यों करवा रहे हो, तो किया हुआ है, इसका आंसर ए है, तो इतना स्टूडेंट पढ़ के आया है, अच्छा दूसरा बैच क्या, उसी बैच में मैंने कहा ये क्वेश्चन कोई डाउट नहीं, 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 क्या करूँगा मैं, नेक्स्ट शीट पर आऊँगा, नेक्स्ट शीट के अंदर भी मान लो बहुत खूब प्रैक्टिस करके आए, क्या करूँगा मैं अगली शीट लेके आऊँगा, शीट में बहुत है, और मान लो तीसरी भी करके आ गया, क्या करूँगा, चौथी लेके आऊँगा, इससे बोलते हैं फ़ायदा उठाना, जो उठाया नहीं। आप क्या कर रहे हो, जो लेक्चर मैंने लास्ट टाइम करवाया उसी की शीट है, और फिर से वही पूछे जा रहे हो, आप जो है नुकसान कर रहे हो, मेरा नहीं, मैं तो अपने, मेरा तो ब्रेन ही काम नहीं कर रहा आज, मैं तो सो रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ सिर्फ, लेकिन मेरे को वैल्यूज भी याद है आज की डेट में, इंक्लाइन में वी वाई एन करना है, ये करना है, वो करना है, मेरे को तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन आप लोग जो है सही तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे लेक्चर का। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, जितने डाउट्स कम होंगे उतनी एफिशिएंसी ज़्यादा निकलेगी, फैक्ट है मैं बता रहा हूँ, नहीं तो टीचर समझ जाएगा इनके बस का नहीं, चार की जगह 3 ही करवाना पड़ेगा इन्हें, 3 भी कर लें बड़ी बात,
चौथी पांचवी शीट तो रहने दो, और जो बच्चे करने वाले हैं इनको क्लास के बाद बोल देंगे भैया तुम कर लो ये शीटें, बाकी की बस की नहीं है, उसको तो करवाना ही है उसने यार, जो काम करना है वो तो करना ही है। तो ये 6-8 महीने के अंदर ना एक टीचर की ऑब्जर्वेशन तैयार हो जाएगी, इस स्टूडेंट के बस का है इसका नहीं है, पता लग ही जाएगा। और कोई बोल के थोड़ा ना बता रहे, आपके टेस्ट बता रहे हैं, देखता नहीं रिजल्ट को जो बांटता हूँ, पता ही होता है कि क्या कर रहा है। ऑनलाइन टेस्ट SMS आते देखता ही हूँ लिस्ट में क्या है, या आपकी परफॉर्मेंस से पता लग रहा है क्लास की, कोई आंसर नहीं बोल रहा, या फिर कोई डाउट, वही कॉमन डाउट पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो प्रैक्टिस की कमी है। तो आपको ज़रूरत है, मैं बता रहा हूँ, खूब प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ऑनलाइन वालों को भी कह रहा हूँ प्लीज़ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस कम है, ठीक है। तो ये शीट के अंदर नेक्स्ट जो है ये हो गया 11th क्वेश्चन में डाउट, चेन वाला क्वेश्चन अभी किया, वाई की जगह एल कर दिया, तो वही सेम क्वेश्चन है। हैंगिंग पार्ट ऑफ चेन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, चेन नीचे नहीं गिरेगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन हैंगिंग पार्ट, इक्वल कम से कम, सेम क्वेश्चन है जो भी किया, कोई चेंज नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया। 12th क्वेश्चन में डाउट है इस क्वेश्चन में, कितनों का हो गया वैसे, हुआ भी है ऑनलाइन वालों का, हुआ ऑनलाइन कितने लोगों का हुआ, ठीक है। 40 kg की स्लैब है, 10 किलो का मास है, 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है टॉप के ऊपर, स्टैटिक फ्रिक्शन 0.60 इनके बीच में, और ये स्मूथ है, और काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशियंट भी गिवन है, μs गिवन है, μk गिवन है। 10 kg ब्लॉक इज एक्टेड अपॉन अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, तो 10 kg का ब्लॉक 100 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है इस पर। क्या कह रहे हैं, रिजल्टिंग एक्सलेशन ऑफ स्लैब, ये स्लैब है 40 kg एक्सलेशन बताओ। अब एक्सलेशन तब बताएं, पहले ये चेक करें कि क्या इनकी सेपरेशन हो रही है या सेपरेशन नहीं हो रही, और वो चेक कैसे होगा, म्यू एस से कैलकुलेट करेंगे। तो म्यू एस इंटू यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन क्या है, 10g, तो म्यू एस इंटू 10g सॉल्व करके क्या आएगा, 58.8 न्यूटन। तो इनको सेपरेट करने के लिए कम से कम कितनी फोर्स चाहिए, 58.8 न्यूटन, आपने कितनी लगाई, 100, तो क्या इनकी सेपरेशन होगी, होगी। समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का यही काम है, चेक करना सेपरेशन होगी या सेपरेशन नहीं होगी। तो इस केस में इनकी सेपरेशन तो होगी, और अगर इनकी सेपरेशन होगी तो कौन सी फ्रिक्शन रोल प्ले करेगी, स्टैटिक की काइनेटिक, काइनेटिक। तो अगर ये 10 kg लेफ्ट जा रहा है तो इसकी काइनेटिक कहाँ, राइट, जिसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू के इंटू 10g, और इसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ, लेफ्ट, काइनेटिक। क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इसके ऊपर लेफ्ट, क्योंकि ये इसके ऊपर फोर्स लेफ्ट लग रही है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन राइट, और इसके ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट। क्लियर है यहाँ तक, तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम अगर 40 kg का बनाना है तो 40 kg की फ्री बॉडी डायग्राम में ये क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू क्या है, म्यू के इंटू 10g। तो आपको इसकी एक्सलेशन बतानी है, तो ये फोर्स है म्यू के इंटू 10g मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। तो आपको क्या निकालनी है, एक्सलेशन, म्यू के की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, म्यू के की वैल्यू गिवन है आंसर। तो कैसे सॉल्व करना समझ में, तो पहले यही डिसाइड करना पड़ेगा कि स्टैटिक है या काइनेटिक है। 13th क्वेश्चन में डाउट, 13th क्वेश्चन में ये फोर्स की प्रॉब्लम है, रस्सी वाली प्रॉब्लम याद है, रस्सी का मास। तो एक स्ट्रिंग है जिसका मास है, तो स्ट्रिंग का मास है m और लेंथ l है, टेंशन कहाँ निकालनी है, x डिस्टेंस पे निकालनी है फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट, ये रिजिड सपोर्ट है, तो इसके x डिस्टेंस पे टेंशन निकालनी है। तो नीचे वाली जो लटकता हुआ पोर्शन है उसकी लेंथ क्या है l, तो यही इसकी, इसका जो वेट है हैंगिंग पोर्शन का वही टेंशन है, तो इसका मास क्या निकलेगा, m बाई l इंटू क्या करें, l माइनस x, को g से मल्टीप्लाई करें इसका वेट आंसर, तो हैंगिंग पोर्शन का जो वेट है वही उसकी टेंशन है, तो m बाई l इंटू l माइनस x मास है इंटू g टेंशन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये भी मैंने नहीं करवाया वैसे, कितनों का हो गया, ये हो गया, कितने को डाउट है। देखो इसमें प्लेट जिसका मास फिर से बड़ा m है, और इसके ऊपर एक छोटा मास m है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन में म्यू गिवन है, और यहाँ पर फोर्स क्या लग रही है, 2μmg, और इसके अंदर म्यू जो है कोफिशियंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन है, डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन एक ही बात है, ठीक। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है,
तो इसके अंदर आपको क्या निकालना है, दी एक्सलेशन ऑफ द प्लेट इज इक्वल टू वर्ट, इसकी एक्सलेशन बतानी है क्या होगी। पहले मुझे ये बताओ कि सेपरेशन होगी कि नहीं होगी, मेरे को लग रहा है होगी, कैसे पता लगा, स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन ही नहीं है, गिवन ही क्या है, म्यू किसका है, काइनेटिक, इसका मतलब वो खुद ही बोल रहा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन से क्वेश्चन सॉल्व करो, इसका मतलब इनकी सेपरेशन होगी, नहीं तो स्टैटिक ना देता साथ साथ चेक करने के लिए, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो इसमें इनकी सेपरेशन होगी, अब सेपरेशन होगी तो यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन का रोल कैसे इसमें लगेगा, क्योंकि ऊपर वाले ब्लॉक को फोर्स राइट मिल रही है तो इसको फ्रिक्शन कहाँ मिलेगी, काइनेटिक लेफ्ट, कितनी, म्यू टाइम छोटा एम जे, और यहाँ पर फ्रिक्शन कहाँ है, राइट, कितना, म्यू टाइम छोटा एम जे। तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम बड़े एम का, म्यू टाइम छोटा एम जी और कैपिटल एम, तो यहाँ पर जो एक्सेलेरेशन होगी क्या होगी, दिस अपॉन मास, और जो छोटा एम है उसको आगे की फोर्स पे, उसको पीछे की फोर्स भी है, तो पूछ, उसने एक्सेलेरेशन पूछी नहीं इसकी छोटे की, तो बड़े की पूछी आंसर। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, तो सेम जैसे क्वेश्चन लास्ट टाइम किए थे ब्लॉक्स के ऊपर ब्लॉक, सेम कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है यहाँ तक, ओके नेक्स्ट है, कितने लोगों ने 19th शीट ट्राई की, किया ट्राई 19th तक, 16, अच्छा 16, अच्छा ठीक है, मेरे नंबरिंग से फर्क होगा, 16th, ओके कितने लोगों इसमें डाउट है। देखो अ ब्लॉक जिसका मास कितना है, 2 kg, फ्लोर पे पड़ा हुआ है, स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन है और फोर्स कितनी अप्लाई कर रहे हैं, 2.5 newton, धक्का मार रहे हैं 2.5 newton, फ्रिक्शनल फोर्स बतानी है कितनी है। अब पहला रूल क्या है, क्या ये ब्लॉक अपनी जगह से हिलेगा या नहीं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अगर हमें स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करें म्यू टाइम्स एम जी, तो आंसर क्या आ रहा है, 7.84, पर हमने फोर्स कितनी लगाई, 2.5, तो ये ब्लॉक नहीं हिलेगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या मार्क करेंगे, 2.5, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है, सेल्फ एडजस्टिंग है, तो जितनी आप फोर्स अप्लाई करेंगे 2.5 वही आपकी फ्रिक्शन हो जाएगी। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक, तो आंसर 2.5 है। इसमें टग ऑफ वॉर है, कौन जीतेगा, जिसके पैरों में फ्रिक्शन ज़्यादा है वो फिसलेगा नहीं, वो जीत जाएगा, तो आंसर सी, जिसमें ज़्यादा फ्रिक्शन होगी वो जीत जाएगा। फोर्स लगा दो पैरों में, फ्रिक्शन ही तो फोर्स कहाँ लगाओगे, फिसल जाओगे, और फ्रिक्शन ज़्यादा होगी पैर जाएगा नहीं, फोर्स ज़्यादा लगेगी, गेम ही फ्रिक्शन की है। या तुम ये कहना चाह रहे हो कि एक छोटा बच्चा रख दिया और उसके उसकी फ्रिक्शन दे दी, बड़ा बंदा रख दिया उसमें फ्रिक्शन नहीं थी, कौन जीतेगा, छोटा बच्चा जीतेगा भाई, फिजिक्स तो यही कहती है जिसके पैर में फ्रिक्शन नहीं वो गिरेगा ही गिरेगा। अब तुम प्रैक्टिकल सोच रहे हो कीचड़ है उसमें गिर जाएगा, मैं कह रहा हूँ फ्रिक्शन है ही नहीं, वो खड़ नहीं पा रहा, तुम कह रहे हो वो खींचेगा, खेल नहीं पाएगा, तो आइडल स्टेट में जिसकी फ्रिक्शन नहीं ना वो तो जीत नहीं पाएगा, वो तो अपने आप को संभालने बहुत बड़ी बात है। फ्रिक्शन गेम ऑफ फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स ठीक फ्रिक्शन भी ज्यादा होगी, क्या कह रहे हो, नॉर्मल फोर्स ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगी। फिर से कौन सी फोर्स, नॉर्मल, नहीं नॉर्मल फोर्स ज्यादा होगी फ्रिक्शन ज्यादा होगी, एक सेकंड,
हाँ, और म्यू का क्या करेंगे? नॉर्मल फोर्स ज़्यादा है पर म्यू नहीं है, अब बोलो तो आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही बोलना है, ठीक है? यस, आवाज़ कम आ रही है? यस सर। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट। देखो, ब्लॉक जिसका मास 4 केजी है ग्राउंड के ऊपर है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड ग्राउंड 0.80 है, कौन सी फ्रिक्शन पता नहीं, स्टैटिक टेकानेटिक पता नहीं, एंड एक्सटर्नल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन अप्लाइड पैरल टू द ग्राउंड, 30 की फोर्स लगाई ब्लॉक के ऊपर, रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाई द ग्राउंड ऑन द ब्लॉक इज, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? जैसे आज हमने किया, हमने क्या किया, इसके अंदर एक ग्राउंड पे फोर्स क्या लगेगी, नॉर्मल ब्लॉक के ऊपर ग्राउंड फोर्स क्या लगाएगी, नॉर्मल रिएक्शन, और आप यहाँ धक्का मारोगे तो क्या लगेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नॉर्मल रिएक्शन में कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि इसका वेट कितना है 4g, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है 4g। फ्रिक्शन क्या लेनी है, इस बॉडी को हिलाने के लिए फ्रिक्शन चाहिए थी म्यू टाइम्स mg, म्यू पता है, mg पता है 32 न्यूटन, पर आपने कितनी फोर्स लगाई, सिर्फ 30 न्यूटन, तो ये ब्लॉक हिलेगा नहीं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी काउंट होगी, 30 न्यूटन, तो 30, तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स कितनी है इन दोनों का रिजल्टेंट, तो 4 × g 40 और 30 का रिजल्टेंट क्या आएगा, 50। समझ में आ रहा है, नेट रिजल्टेंट निकालना है कॉन्टैक्ट फोर्स का। देखो उसने क्या कहा एंड में कि ग्राउंड ने कितनी फोर्स लगाई बस, अब ग्राउंड तो दो दो फोर्स लगाता है ना, नॉर्मल रिएक्शन भी लगाता है और फ्रिक्शन भी लगाता है, क्लियर है? फोर्थ क्वेश्चन में गिवन करो म्यू लेस देन 1 तब आंसर आएगा, फोर्थ क्वेश्चन में म्यू लेस देन 1 तब आंसर आएगा। कितनों को डाउट है इसमें, किया था हमने क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ब्लॉक डब्ल्यू वर्टिकल वॉल के ऊपर हमने एफ फोर्स से टिका के रखा हुआ, ऐसा तो टिका के रखा हुआ एफ, तो नॉर्मल रिएक्शन भी क्या है एफ, कौन बचाएगा फ्रिक्शन, कौन गिरेगा वेट, ब्लॉक को नहीं गिरना तो फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वेट, तो कम से कम फोर्स क्या लगनी चाहिए फ्रिक्शन की, इक्वल टू वेट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन इस केस में क्या है एफ, तो आर की जगह एफ, तो एफ आ गया। अब सोचो एफ क्वेश्चन में गिवन है लेस देन 1 है, 0.2 0.5 कुछ भी, तो फोर्स बड़ी होगी डब्ल्यू से, अगर म्यू की वैल्यू, म्यू की वैल्यू क्या है कम है, देखो म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी है, एफ छोटा हो जाएगा डब्ल्यू से, अगर छोटी है तो एफ बड़ा हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक, एफ ग्रेटर देन डब्ल्यू इज द आंसर। मिलता है तो क्वेश्चन किया है जिसमें वॉल मूव कर रही थी, सूडो फोर्स का एग्जांपल याद है, पूरी दीवार मूव करती है तो सूडो फोर्स कहाँ लगती है इस, और यही एक्ट करती है नॉर्मल रिएक्शन, बाकी रूल वही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बचाएगी और वेट इसे गिरेगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्रेटर देन वेट, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में क्या पुट करेंगे म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन की जगह एम ए 2a, ये ऐसा क्वेश्चन हमने ये नहीं किया, ये मुश्किल क्वेश्चन है, इसके अंदर इसका लेवल कुछ अलग है, तो नीट में तो मुश्किल आता, तो इसमें एनसीईआरटी में तो आता ही नहीं। खैर, बीड जिसका मास m, एक मोती है जिसका मास m है, ये एक वायर है, पैराबोलिक शेप वायर है, इस पैराबोलिक शेप वायर की इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है x² = ay, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, the highest distance above x axis at which particle will be in equilibrium, तो आपको ये बताना है कि ये बीड यहाँ पे टिका हुआ है फ्रिक्शन की वजह से, अगर आप बीड को नीचे ऊपर करते हैं तो हिल जाएगा, ये इक्विलिब्रियम में है, तो आपको बताना है कि वाई की वैल्यू क्या होगी ताकि इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक, तो ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बीड मस्ट बी इक्वल टू 0, ये इक्विलिब्रियम है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ऐसे केस में आपने जहाँ पर ये बीड है वहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, ऐसा मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद एक्स एक्सिस, बना दिया, अगर आप ध्यान से देखो ये इंक्लाइन प्लेन बन गया, इंक्लाइन प्लेन पे मास m, m के दो कंपोनेंट mg cos mg, तो कौन सी फोर्स बीड को नीचे लेके आ रही है mg sin, कौन बचाएगा फोर्स ऑफ, तो ये बीड अगर रेस्ट पे है तो mg sin थीटा इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो रूल समझ में आया यहां तक, ठीक।
ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एम जी साइन थीटा से ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या, म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, इस केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, एम जी कॉस थीटा, एम जी कैंसिल, तो म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टैन थीटा। मैंने ऑप्शन देखा, आंसर आ गया, नहीं यार आंसर नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। आपको आंसर कहाँ से आता, निकालना तो वाई था, निकालना तो ये वाई है, चलो वाई निकाल देते हैं। वाई निकालने के लिए नई क्वेश्चन आते हैं, हमें गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाय ए, ए इज अ कॉन्स्टेंट, इसमें हमें पैराबोला की इक्वेशन गिवन है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर जो भी है ए वाई, तो वाई की वैल्यू ए रही। अब मुझे अगर ये ग्राफ को चेक करें तो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और मैं इस लाइन की अगर स्लोप निकाल लूँ टैन थीटा, तो क्या होगी, डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स क्या देगी आपको स्लोप, तो टैन थीटा स्लोप होती है डी वाई बाई डी एक्स। अब वाई की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट करके इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, टैन थीटा आ गया, तो टैन थीटा तो हमने ये भी निकाला था, टैन थीटा हमने ये भी निकाल दिया, इस टैन थीटा की वैल्यू को 2x बाई ए को यहाँ पुट कर देते हैं, तो म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2x बाई ए, ये देखो म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2x बाई ए, पर निकालना x तो है ही नहीं, निकालना तो y है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से y की x की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ ए वाई, तो यहाँ से x की जगह y एलिमिनेट कर दो, स्क्वेयरिंग कर दो, y निकाल लो, आंसर आ गया। अब आप ये पूछोगे हमें कैसे पता लगेगा कि ऐसा करना है, जब मैंने पहली बार किया तो मुझे भी नहीं पता था कि इसको ऐसे करना है, तो मैंने इसको बहुत बार किया, अब मुझे पता है कि इसको ऐसे करना है, लग गया पता। तो आप ये ना सोचें कि लोगों के अंदर से फिजिक्स बाहर ऐसे आती है, ये तो निकाल ही देंगे, निकलती भी है लोगों के, जो बहुत जिनको बहुत एक्सपीरियंस है निकाल देते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है, आपको थोड़ा ट्राई करना। आप जैसे मान लो ये भीड़ वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, आपको पता है यार कुछ करते तो थे ऐसा कुछ, अभी आपको इतना ही पता है और इतना ही याद रहेगा बस आपको, लेकिन धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चन कर करके आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर है, लास्ट में स्लोप है ना, आप ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो आपकी जो टेंजेंट थी वो कैसी थी, ये आपकी टेंजेंट है ना, तो अगर आप इसका एलिमेंट लेते हो, ये लेंथ क्या होगी डी वाई, ये क्या होगी डी एक्स, टैन थीटा डी वाई बाई डी एक्स। कभी भी ग्राफ अगर वाई और एक्स का है ना, तो स्लोप हमेशा डी वाई बाई डी एक्स, अगर वाई और टी का है तो स्लोप डी वाई बाई डी टी, सिंपल है रूल, ठीक है, मेडिकल में तो नहीं आता कम से कम। क्वेश्चन नंबर सेवन में डाउट, सेवन्थ में, फिगर शोज अ ब्लॉक केप्ट ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन, मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स डाउन द इंक्लाइन फॉर विच ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट इज 1 न्यूटन, वाइल द मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स अप द इंक्लाइन ताकि ब्लॉक रेस्ट पे रहे इज 7 न्यूटन, फाइंड कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। वो क्या कह रहे हैं, एक ब्लॉक है रेस्ट पे है, तो दो केस हैं, दोनों केस में ब्लॉक रेस्ट पे ही है। वो कहता है कि अगर मैं फोर्स पहले केस में नीचे लगाऊं, मैं फोर्स 1 न्यूटन नीचे लगाऊं, तो ब्लॉक रेस्ट पे रहता है। आप हो गए यार लगाने की जरूरत क्या थी, चुप करके बैठा रहता है वो तो वैसे ही रेस्ट पे है, तो 1 न्यूटन लगा रहा है तब भी रेस्ट पे है, ना लगाता तब भी रेस्ट पे है। वो यही तो बता रहा है कि जब मैं नहीं लगा रहा था तब तो रेस्ट पे है ही है, फिर मैंने 0.1 न्यूटन लगाई तब भी रेस्ट पे है, 0.2 लगाई तब भी रेस्ट पे है, 1 न्यूटन तक रेस्ट पे है, इससे ज़्यादा लगाऊंगा फिर ये मोशन में आ जाएगी। तो ये लास्ट वैल्यू ऑफ फोर्स है जो नीचे की तरफ लगती है ताकि बॉडी रेस्ट पे है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ऐसी बातें कर रहा है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी कहाँ मूव करे, नीचे, तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगी, ऊपर, तो यहाँ पर फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगी, ऊपर, पर ब्लॉक तो रेस्ट पे है, ब्लॉक अगर रेस्ट पे है तो एम जी साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, एम जी कॉस थीटा। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 आ गई, पहली क्वेश्चन क्लियर है, फोर्सेज क्लियर है। फिर केस नंबर 2 में कह रहा है कि अब मैंने फोर्स कहाँ लगाई, ऊपर लगाई 7 न्यूटन ताकि बॉडी रेस्ट पे रहे, जैसी आपने फोर्स ऊपर लगाई आपकी ब्लॉक की टेंडेंसी मूव करने की कहाँ है, ऊपर, तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगी, नीचे। ये स्टेप समझ में आया, जब आप नीचे फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन ऊपर, जब ऊपर फोर्स लगाते हैं फ्रिक्शन नीचे, अब दोनों केस में ब्लॉक इज लाइंग एट रेस्ट, ब्लॉक रेस्ट पे ही है पर फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन क्या कर रही है, चेंज। तो इसमें 7 इज इक्वल टू एम जी साइन 30 प्लस म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन का एम जी कॉस 30। तो दो इक्वेशन तैयार हो गई, दोनों को डिवाइड कर लेना, डिवाइड कर दो, एमएमएम सब कैंसिल, आपको क्या निकालना है, म्यू निकालना है, सब कुछ गिवन है, सॉल्व करके आंसर, बाकी तो मैथ है, डिवाइड करके आसान है, एमएमएम कैंसिल हो जाता है, म्यू निकाल लेना आंसर।
पर मेथड समझ में आ रहा है, इक्वेशन समझ में आ रही है कि एक बार फोर्स नीचे एक बार फोर्स ऊपर। कितने लोगों को इसमें डाउट है? होएगा। ब्लॉक जिसका मास कितना है 20 kg और फोर्स कितनी लग रही है 30 N एट एन एंगल ऑफ कितना 53 degree विद हॉरिजॉन्टल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो फोर्स कितनी लग रही है 30 N 53 degree विद डाउनवर्ड डायरेक्शन। कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस 0.2 है। फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक बाय द ग्राउंड इज, तो आपको ये बताना है कि फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स कितनी एक्ट कर रही है। अब प्रॉब्लम क्या है, नॉर्मल क्वेश्चन में फोर्स ऊपर लगती है, ये कह रहा है फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ डाउनवर्ड लग रही है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ फोर्स डाउनवर्ड है। पहला स्टेप क्लियर है, ठीक है यहाँ तक। फोर्स अगर 30 N डाउनवर्ड है एट एन एंगल ऑफ 53 degree तो फोर्स के दो कॉम्पोनेंट है, एक एफ कॉस 53, एक एफ साइन 53, और वेट कितना है 20 g, नॉर्मल रिएक्शन कितना है n, और बॉडी राइट मूव करवा रहे हो, कौन फोर्स राइट मूव करवा रही है, एफ कॉस 53, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ है लेफ्ट। डायग्राम क्लियर है, ऐसे कई बार डायग्राम बना चुके हम, अभी इस बार डाउनवर्ड के साथ बन गया। तो इसके अंदर कौन सी फोर्स को राइट मूव करवा रही है, एफ कॉस 53, एफ कितना है 30, कॉस 53 और साइन 53 याद कर लें, कॉस 53 3/5 होती है, साइन 53 4/5 होता है, तो आप यहाँ पर कॉस 53 की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर क्या आएगा 18 N, तो आप कितनी फोर्स लगा रहे हैं 18 N फोर्स की राइट मूव करें। अब पता नहीं है मूव करेगा कि नहीं करेगा, कैसे चेक करेंगे, म्यू इन टू एन। अब नॉर्मल रिएक्शन इसमें क्या है, एन इज इक्वल टू एफ साइन 53 प्लस 20 g, ये रहा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन में एफ साइन जी सब वैल्यू पुट करें, सॉल्व करके आपके पास आंसर आए 44.8। तो इस बॉडी को हिलाने के लिए फोर्स कितनी चाहिए 44.8, आपने कितनी लगाई सिर्फ 18, बॉडी विल, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या मार्क करेंगे 18। क्या है पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, 18 इज द आंसर, याद करना पड़ेगा। वैसे आते नहीं है, साल में एक ही बार आता है, एक या दो बार, एक बार आ गया एक बार और आ जाएगा, बस इतना ही है, ठीक है। आया था 37 आया था, तो 37 का उल्टा होता है एक्चुअली, साइन 37 इज कॉस 53, कॉस 53 साइन 37 उल्टा होती है वैल्यूज, हमें 37 डिग्री याद किया हुआ है, उसका उल्टा कर देना है। ओके